नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्टेनो चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए आज स्टेनो के क्वेश्चन लाए हैं जो बहुत ही यूजफुल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, जिन वर्णों का उच्चारण अन्य किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है कहलाते हैं। ऑप्शन ए है स्वर, ऑप्शन बी है व्यंजन, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा व्यंजन, यानी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दो, चौड़ीकरण किन शब्दों को या किन शब्दों के लिए होता है। ऑप्शन ए है याया, ऑप्शन बी है वा वा, ऑप्शन सी है ज्ञा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीन, जो शब्द बार बार उपयोग में आते हैं उनके लिए आशुलिपि में बना दिया जाते हैं। ऑप्शन ए है शब्द चिन्ह, ऑप्शन बी है संक्षिप्ताक्षर, संक्षिप्त चिन्ह, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्वितीय स्थान का स्वर समतल रेखा पर कहाँ दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए है रेखा के ऊपर, ऑप्शन बी है रेखा पर, ऑप्शन सी है रेखा को काटकर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेखा के ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन है, आशुलिपि का प्रयोग विधायिका सभाओं में कब आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1948, ऑप्शन सी है 1957, ऑप्शन डी है 1945। इसका सही आंसर होगा 1948, यानी ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है, स्टा 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 आदि के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन ए है आंकड़ा, ऑप्शन बी है चाप, ऑप्शन सी है वृत्त, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चाप लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सात, श्रेष्ठ वाक्यांशों होता है या श्रेष्ठ वाक्यांश होता है। ऑप्शन ए है जो आसानी से लिखा जा सके, ऑप्शन बी है जो आसानी से जोड़ा जा सके, ऑप्शन सी है जो आसानी से पढ़ा जा सके, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यंजन के तृतीय स्वर स्थान पर इनमें से कौन सा स्वर नहीं पढ़ा जाता है। ऑप्शन ए है बड़ी ई, ऑप्शन बी है छोटा ओ, ऑप्शन सी है ए, ऑप्शन डी है छोटी ई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
छोटा ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्णों के समूह को कहते हैं, ऑप्शन ए है वर्णमाला, ऑप्शन बी है वर्ण, ऑप्शन सी है शब्द, ऑप्शन डी है संक्षिप्ताक्षर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वर्णमाला। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण विराम के लिए शब्द चिन्ह है, ऑप्शन ए है क्रॉस, ऑप्शन बी है वृत्त, ऑप्शन सी है हुक, ऑप्शन डी है बिंदु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्रॉस, पूर्ण विराम का शब्द चिन्ह क्रॉस। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय परंपरा में आशुलिपि लेखक विधा के जनक कौन है, ऑप्शन ए है ब्रह्मा जी, ऑप्शन बी है कालिदास, ऑप्शन सी है सरस्वती, ऑप्शन डी है श्री गणेश। इसका सही आंसर होगा श्री गणेश, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, दोगुनीकरण करने पर पढ़ा जाता है, ऑप्शन ए है वर, ऑप्शन बी है तर, ऑप्शन सी है घर, ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। इसका सही सॉरी ए और बी दोनों, इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन है, दीर्घ स्वर औ स्वर को आशुलिपि में किसके द्वारा प्रकट किया जाता है, ऑप्शन ए है गहरे बिंदु, ऑप्शन बी है गहरे डैश, ऑप्शन सी है कोड, ऑप्शन डी है हुक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गहरे डैश के द्वारा। चलिए आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें, मिलते हैं अगले वीडियो में।